Hello friends, Namaskar. This is Zunaira here, and today I'm making this video because a lot of my friends and followers on Instagram started saying how I became a cabin crew, and even they wanted some help for going into the same industry. So the languages I speak are English, Hindi, Marathi, and Arabic. So if you want me to make a video in any of these languages, then please comment below and I will definitely do that for you. Now, let's get started with Hindi because a lot of people are from India on my Instagram. So let's go. तो ये वीडियो जो है वो इसलिए बनाया जा रही हूँ क्योंकि बहुत से लोगों ने पूछा कि कैबिन क्रू जो है वो बनते कैसे हैं, मतलब ये इंडस्ट्री में मतलब ऐसा क्या है, हमें कुछ कोर्स करना पड़ता है क्या ये सब. तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूँ कि आप अगर फ्रेशर हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो कोई भी एयरलाइन में, एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है. सेकेंड चीज़ ये है कि कोर्स ये जो फ्रैंकफिन या फिर आटा वगैरह बिल्कुल नहीं, वेस्ट ऑफ मनी है, कभी पैसे इसमें वेस्ट भी ना कीजिए. आपको कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है. मैं आपको कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट्स बताने जा रही हूँ जो आपके अंदर अगर वो रिक्वायरमेंट सारे मीट करते हो तो आप डेफिनेटली एक कैबिन क्रू बन सकते हो. ठीक है, सो लेट्स गो. फर्स्ट जो बेसिक चीज़ हो, सबसे पहले हर एयरलाइन में रिक्वायरमेंट होती है वो ये है कि हाई स्कूल एजुकेशन, तो आप जो है 12th पास होना चाहिए. और अगर आपने साथ में कोई भी कोर्स कर लिया एडिशनल, यू नो मे बी कोई भी जो कोर्सेज एडिशनल करते हैं, डिप्लोमा या जो भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडिशनल कोर्स है तो. बट 12th पास जो है वो बेसिक मेन होना चाहिए रिक्वायरमेंट. सेकंड चीज़ ये है कि आपकी स्किन जो है वो क्लियर होनी चाहिए, कोई भी आपकी स्किन पे स्कार नहीं होना चाहिए. तो आपकी स्किन पे कोई एक आधा पिंपल या एक आधा स्कार छोटा मोटा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है. आप दिल छोटा ना कीजिए, आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हो. अगर आपको दाग कंसील कर सकते हो और एयरलाइन को अगर दिखाई नहीं देता है वो इंटरव्यू में, एज लॉन्ग एज यू कंसील इट, एयरलाइन को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. बट अगर बहुत ज़्यादा पिंपल्स है, बहुत ज़्यादा स्कार या दाग है, तो मेरा सजेशन ये है कि पहले आप अपनी स्किन का कोई ट्रीटमेंट करवा लो, स्किन क्लियर हो जाए, फिर आप अप्लाई कर सकते हो. कोई परमानेंट तो चीज़ नहीं है ना, तो वो सेकेंड रिक्वायरमेंट है. थर्ड रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि आपकी हाइट देखी जाती है. हाइट जो है बहुत से लोग होते हैं कि ये तो बहुत अनफेयर है, अगर हमारी हाइट कम है तो फिर हमारी क्या गलती. तो एक जस्टिफाइड रिक्वायरमेंट है एयरलाइन में कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है होती है वो है सेफ्टी. क्योंकि आप 37,000 या 40,000 फीट पर जब आप ट्रैवल करते हो वहाँ पर कोई हेल्प नहीं होगी, वहाँ अचानक कोई भी इमरजेंसी हो जाएगी तो एयरलाइंस के सारे जो सेफ्टी के इक्विपमेंट्स होते हैं वो ऊपर रखे हुए होते हैं, तो ओवर हेड बिन्स में आपका हाथ जाना ज़रूरी है. तो इसीलिए हाइट देखी जाती है. और हैटरैक जो होता है, जो क्लोज करते हैं, वो कैबिन क्रू को ही क्लोज करना होता है, इसीलिए हाइट की रिक्वायरमेंट देखी जाती है. अभी हाइट के साथ साथ जो है थर्ड रिक्वायरमेंट ये है, एक और चीज़ बता दूँ कि हर एयरलाइन की हाइट की रिक्वायरमेंट अलग होती है, बट हर फिर भी ज़्यादा ही हाइट देखा जाता है. ज़्यादा ही हाइट ही होना ज़रूरी है, बट कोई एयरलाइन में जो है बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो जाती है हाइट की. नाउ उसके बाद जो रिक्वायरमेंट हाइट के साथ साथ देखते हैं वो है वेट. तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा लंबे हो लेकिन आपका वेट जो है BMI रेंज के बाहर जा रहा है, BMI रेंज के नीचे है, तो फिर वो कंसिडर नहीं हो जाता है. BMI हाइट और वेट जो है BMI में आने चाहिए. और वेट इसके लिए क्योंकि ये ऐसा प्रोफेशन है एविएशन कि यू हैव टू लुक अ सर्टेन वे, एक वे में दिखना चाहिए आप, क्योंकि कैबिन क्रू जो है यही है जो एयरलाइन को रिप्रेजेंट करता है. तो जब आप एयरपोर्ट पे चलते हो या जब भी जाते हो तो आप यू डोंट वांट टू लुक फैट. तो अगर आप मोटे हो या पतले हो प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, या आप वज़न बढ़ा सकते हो या वज़न कम कर सकते हो, तो BMI होना चाहिए. और हाइट के बारे में एक और चीज़ बता दूँ कि अगर आपकी हाइट जो है अगर कैबिन क्रू बनने के लिए मीट नहीं करती है रिक्वायरमेंट, तो इंटरनेट पे ऐसे बहुत से वीडियोस हैं जिसमें देख सकते हो कि आपकी हाइट इंक्रीज़ हो सकती है. ज़्यादा चांसेस, ज़्यादा तो इंक्रीज़ नहीं होगी, थोड़े बहुत सेंटीमीटर्स अगर आप जो है गेन कर लोगे, अगर आप फिर भी आपके अगर उससे हेल्प नहीं होती है तो आप दिल छोटा ना कीजिए. और भी बहुत सारे प्रोफेशन हैं जिसमें आप जा सकते हो, आपका टैलेंट काफ़ी है आपके लिए. ठीक है, इस रिलेटेड मैं एक डेफिनेटली एक अलग से वीडियो अलग से बना दूंगी, बट क्योंकि ये वीडियो रिक्वायरमेंट रिलेटेड है तो मैं इसे छोटा वीडियो बनाना चाहती हूँ. और इसके बाद जो है रिक्वायरमेंट होती है एयरलाइन में वो ये है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो कंपल्सरी, इट्स अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट इन ऑल द एयरलाइंस. सो
चाहे कोई भी एयरलाइन हो दुनिया की कोई भी कोने की, इंग्लिश जो है वो मेन रिक्वायरमेंट बिकॉज इट्स अ ग्लोबल लैंग्वेज। और इंग्लिश के साथ साथ कोई कोई एयरलाइंस में क्या होता है कि वो लोगों की जो मातृभाषा है वो भी आना ज़रूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में अगर आप कोई भी एयरलाइन में अप्लाई करोगे, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी आना भी ज़रूरी है। अब किसी किसी में पता नहीं, हिंदी थोड़ी बहुत कच्ची पक्की होती है तो भी ले लेते हैं, बट इंग्लिश जो आना है बहुत ज़रूरी फॉर एवरी एयरलाइन, इट्स अ मस्ट। उसके बाद वाला रिक्वायरमेंट ये है कि आपको फिट होना चाहिए। फिट होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एयरक्राफ्ट में सारे लोग का ख्याल कैबिन क्रू रखते हैं, तो अगर पैसेंजर को कुछ हो गया और कैबिन क्रू ही फिट नहीं है तो पैसेंजर का ध्यान कौन देगा। इसीलिए जो है फिट रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। जैसे आप कैबिन क्रू का इंटरव्यू क्लियर करते हो तो उसके बाद एक मेडिकल टेस्ट होता है जिसमें चेक करते हैं कि आपका ब्लड हीमोग्लोबिन लेवल जो है बॉडी में कितना है, इम्यूनिटी सिस्टम आपकी बॉडी का कैसा है, आपको कोई ऐसी बीमारी है जो इनक्योरेबल है, ये सब छोटी मोटी बीमारी, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। बदन में खून भी कम है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, खाओ पियो खून बढ़ा लो और क्या। तो फिर मेडिकल रिक्वायरमेंट ये है और ये DGCA का रिक्वायरमेंट है, एयरलाइंस का नहीं, DGCA का रिक्वायरमेंट होता है। और लास्ट रिक्वायरमेंट ये है आपकी आई साइट, आपकी आई साइट पावरफुल होना बहुत ज़रूरी। अगेन ये भी सेफ्टी और इमरजेंसी पर्पस और रिक्वायरमेंट है कि आप चीज़ें क्लियरली देखें और बाहर आप एयरक्राफ्ट के देखो कि बाहर कंडीशन और सिचुएशन कैसी है, एक्सटर्नल कंडीशन कैसी है, ये सब देखने के लिए आई साइट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। और अगर एक आधा पावर थोड़ा बहुत कम है आपकी आई साइट का, अगर आपके मतलब इंटरव्यू क्लियर कर दिया और उसमें थोड़ा बहुत पावर कम हो रहा है तो आप निराश मत होइए, वो डिपेंड करता है। अगर जो डॉक्टर जिसने टेस्ट कंडक्ट किया उन्होंने अगर कहा कि आप अपने आईज़ के डॉक्टर से, आप अपने ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट से एक लेटर लेके ले आइए कि ये जो भी आई साइट है इससे आप फिर भी फिट हो फ्लाई करने के लिए, अगर वो इस चीज़ के लिए अलाउ करते हैं तो आप फिट हो जाते हो फ्लाई करने के लिए विद दैट आई साइट। कंसिडरिंग कि आप ग्लासेस ना पहनो, आप लेंसेज पहन लो, और तो और आप लेज़र ट्रीटमेंट भी करवा सकते हो, तो डरिए मत, लेज़र ट्रीटमेंट में कुछ नहीं होता है ना। बहुत से लोग जो है लेज़र ट्रीटमेंट से डर जाते हैं, वो फाइनल डेस्टिनेशन की वजह से। बहुत से लोग हैं मेरे फ्रेंड जिन्होंने कहा था कि उन्हें लेज़र ट्रीटमेंट नहीं करना, पर डरिए मत, आप वो भी करवा सकते हो अगर आपको स्पेक्स है तो। लेकिन बहुत से तरीके हैं, तो आप अगर देख रहे हो कि एक आधा रिक्वायरमेंट जो कि मैच नहीं हो रहा तो आप टेंशन मत लीजिए, आप ये सोचिए कि क्या आप ओवरकम करके उस रिक्वायरमेंट को ऐसे करेक्ट कर सकते हो कि आप रिक्वायरमेंट मीट कर लो, आप उसको इस तरीके से भी करेक्ट कर सकते हो। तो आपके अंदर इसमें से कोई भी रिक्वायरमेंट जो है, आपके अंदर सारी रिक्वायरमेंट अगर मैच करी सो यू कैन डेफिनेटली बिकम अ कैबिन क्रू। सो आप किस चीज़ के लिए वेट कर रहे हो, जाइए। अगर आपको कैबिन क्रू बनना चाहते हो, अगर आप इसका एस्पायरिंग कैबिन क्रू बनना चाहते हो तो जाइए, डेफिनेटली इंटरव्यू दीजिए। और अगर आप इंटरव्यू में फेल भी हो गए तो आप दिल छोड़ा ना कीजिए, लाइफ में बहुत सारे चांस मिलते हैं, दूसरी तीसरी बार दीजिए, अप्लाई कीजिए। मैंने दिया था तो मैं फर्स्ट टाइम में सिलेक्ट हो गई तो मैं बहुत खुश हो गई थी, लेकिन ऐसे उसके पहले मैंने लाइफ में बहुत से इंटरव्यूज दिए थे दूसरे टाइप ऑफिस टाइप जॉब में जिसमें एक बार सिलेक्ट नहीं हुई थी, बट मैंने हार नहीं मानी, मैंने इंटरव्यू दिए। तो इसलिए आप ज़रूर इंटरव्यू दीजिए। और अगर आपके कोई फ्रेंड है जो कैबिन क्रू बनना चाहते हैं तो आप उनके साथ भी ये वीडियो प्लीज़ शेयर कीजिए, और किसी की हेल्प हो जाएगी, किसी को जॉब मिलने में हेल्प मिल जाएगी। और इसके अलावा एक छोटे छोटे टॉपिक जो इन डिटेल टॉपिक, इंटरव्यू कैसे देते हैं, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछते हैं, ये हाइट पे तो चलेगा क्या, मेरी स्किन पे ये है तो चलेगा क्या, ये कोर्स करना चाहिए या नहीं, ऐसे बहुत से डिटेल में क्वेश्चन है जो लोगों ने मुझसे पूछे थे जो मैं इस वीडियो में नहीं कवर कर पाऊँगी, तो मैं अलग उसके लिए वीडियो बनाऊँगी। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन तो आप प्लीज़ कॉमेंट कीजिए। जैसे मैंने कहा था पहले भी कि मैं भाषाएँ जो बोल सकती हूँ वो है इंग्लिश, हिंदी, मराठी एंड अरबिक, तो आप प्लीज़ मुझे बताइए अगर मैं ऐसी कोई भाषा में वीडियो बनाऊँ, आपके लिए ज़रूर बनाऊँगी। तब तक के मैं चलती हूँ, टेक केयर, बाय।